बात ऐसा है कि तमिलनाडु में झारखंड बिहार यूपी के लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि वो वीडियो अगर हम यूट्यूब में डाल देंगे ना तो यूट्यूब मुझे बैन कर देगा, मेरे चैनल को बैन कर देगा। जो तमिलनाडु में परिदृश्य बना हुआ है कि लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है दिन दहाड़े, वो परिस्थिति झारखंड में भी आ सकता है। और मरता क्या नहीं करता, अंत में लोग हथियार उठाएगा ही जब अपना हक, अधिकार, अस्तित्व, पहचान का बात आएगा, रोजगार का बात आएगा, जब किसी का पेट में लात मारा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई हथियार उठाएगा। इसलिए ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ जो लेबर कुली करने के लिए जाते हैं, अदर स्टेट में फोर्थ ग्रेड का काम करने के लिए जाते हैं, डी ग्रेड का काम करने के लिए जाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को मारा जाता है, उन्हीं को काटा जाता है, उन्हीं को पीटा जाता है। कोई बड़ा CM मंत्री या कोई अधिकारी जाता है तो उनके साथ में मिसबिहेव नहीं होता है। सिर्फ गरीब वर्ग के लोगों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, लोगों को भगाया जाता है, तो ये कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि वे लोग भी अपना अस्मिता पहचान बचाने के लिए उतरे हैं, क्योंकि वे लोग भी जानते हैं अगर हिंदी भाषी लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन में आएंगे तो हमारा भाषा, हमारा कला, हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगा और हमारा रोजगार छीन लेंगे लोग, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। हाँ, लेकिन हिंसा के ऊपर हिंसा नहीं होना चाहिए, मारकाट नहीं होना चाहिए। और फाइनली 1953 में एक फजल अली आयोग का गठन किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भाषा, कला, संस्कृति के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। तो हो जाता है, तो एक ड्रास्टिक चेंज आता है इंडियन सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, हर एक चीज़ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो उस समय चूज करने का रहता है कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, किस भाषा को एसोसिएट लैंग्वेज बनाया जाए, किस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद में उस समय भी तमिल के लोग विरोध कर रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, क्योंकि उससे पहले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक ऐसे लोकेशन में हैं जहाँ से झारखंड और बिहार का बॉर्डर बनता है। आज आप लोग से कुछ विशेष बातचीत करने के लिए आए हैं। आप लोग ने न्यूज़ सुना होगा तमिलनाडु वाला मैटर में। बात ऐसा है कि तमिलनाडु में झारखंड बिहार यूपी के लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि वो वीडियो अगर हम यूट्यूब में डाल देंगे ना तो यूट्यूब मुझे बैन कर देगा, मेरे चैनल को बैन कर देगा। तो बात ऐसा है कि झारखंड और बिहार और यूपी के लोग अदर स्टेट जाते हैं काम करने के लिए और हिंदी बोलते हैं, इसलिए मारा जाता है। तो क्या हिंदी बोलना पाप है? ये तो संविधान में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन ये बात गलत है। कहने के लिए है कि संविधान में है कि भारत देश का राष्ट्रभाषा जो है कि वो हिंदी है, लेकिन पूरे भारत में हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब तमिल चले जाइएगा तो वहाँ पे तमिलनाडु चले जाइएगा तो वहाँ पे आपको तमिल में बात करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश चले जाइएगा तो वहाँ पे तेलुगु में बात करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ जो लेबर कुली करने के लिए जाते हैं, अदर स्टेट में फोर्थ ग्रेड का काम करने के लिए जाते हैं, डी ग्रेड का काम करने के लिए जाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को मारा जाता है, उन्हीं को काटा जाता है, उन्हीं को पीटा जाता है। कोई बड़ा CM मंत्री या कोई अधिकारी जाता है तो उनके साथ में मिसबिहेव नहीं होता है। सिर्फ गरीब वर्ग के लोगों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? आपको भाषा के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि तमिल के लोग इतने ज़्यादा विरोध क्यों करते हैं, उसके बारे में शॉर्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ। आपको थोड़ा सा मैं पास्ट में ले जाना चाहता हूँ। जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेज़ लोग ज़्यादा मजबूत हुए थे। हालांकि भारत तो पहले गुलाम था ना, तो गुलाम होने से पहले वो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम से अंग्रेज़ लोग ज़्यादा मजबूत हुआ, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद से। तो उस समय इंडिया को तो वही लोग रूल करने लगे थे, ब्रिटिशर्स लोग जो है कि रूल करने लग गए थे। तो वैसी परिस्थिति में जब इंग्लिश लैंग्वेज को वो लोग ग्रो करवाना चाहे, डेवलप करवाना चाहे, तो वो लोगों ने कैसे डेवलप करवाया, इस चीज़ को मैं अच्छा से समझाता हूँ। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो 1,00,000 रुपया पर ईयर इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रोथ के लिए खर्चा करते थे प्रत्येक साल। उसके बाद क्या हुआ, जब अचानक देश आज़ाद हो जाता है, भारत देश आज़ाद हो जाता है, तो एक ड्रास्टिक चेंज आता है इंडियन सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, हर एक चीज़ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो उस समय चूज करने का रहता है कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, किस भाषा को एसोसिएट लैंग्वेज बनाया जाए, किस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद में उस समय भी तमिल के लोग विरोध कर रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, क्योंकि उससे पहले जो है कि तमिल के जो लोग होते हैं या साउथ साइड के जो लोग होते हैं, हिंदी से पुरानी भाषा है वहाँ पे, और वहाँ के भाषाओं को वो लोग चाहते थे कि वो लोग का भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। वो लोग ज़ोरदार विरोध करते हैं, लेकिन भी उस समय हिंदी को जो है कि राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है संविधान में सभी लोगों के सहमति से, और वो संसद से पारित भी हो जाता है। अब क्या होता है कि 1949 में एक मांग उठ जाता है, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, 1949 में एक मांग उठ जाता है, आंध्र प्रदेश के लोग मांग करते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु में बात करते हैं, तो उनका मांग रहता है कि तेलुगु के आधार पे, मतलब भाषा के आधार पे एक राज्य का गठन किया जाए और उस राज्य का नाम हो आंध्र प्रदेश, और जिसमें उसमें जो तेलुगु बोलते हैं सिर्फ उनके लिए वो स्टेट बनाया जाए। तो वो मांग करते हैं, SK धारा 1 बनता है।
तो वो कैंसिल कर देता है कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है। फिर वो लोग का मांग आंदोलन लगातार कंटिन्यू रहता है, लेकिन इतना ज़ोरदार आंदोलन होता है कि झुकना पड़ जाता है। और फाइनली 1953 में एक फजल अली आयोग का गठन किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भाषा, कला, संस्कृति के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। तो उसके बाद में 1953 में आंध्र प्रदेश जो है कि तेलुगु भाषियों के लिए हो गया और तमिलनाडु जो है तमिल भाषियों के लिए हो गया। इस तरह से भाषा के नाम पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है कि वो अलग अलग हो जाते हैं 1953 में। आज़ाद भारत का वो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पे अलग हुआ था। उसके बाद क्या होता है, जब बम्बई था उस समय मराठी और गुजराती जो है कि वो आपस में टकरा जाते हैं और वो लोग भी अपना भाषा, कला और संस्कृति के आधार पर राज्यों का मांग करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार राज्यों का अलग अलग विभाजन होते चला जाता है और इस तरह से टोटल आज जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, उनको भाषा, कला, संस्कृति के आधार पर ही बांटा गया है। तो ये तमिलनाडु में अगर तमिल भाषा का मांग किया जाता है और वहाँ का संस्कृति संरक्षण के लिए अगर लोगों को भगाया जाता है तो ये कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि वे लोग भी अपना अस्मिता, पहचान बचाने के लिए उतरे हैं। क्योंकि वे लोग भी जानते हैं अगर हिंदी भाषी लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन में आएंगे तो हमारा भाषा, हमारा कला, हमारा संस्कृति ख़त्म हो जाएगा और हमारा रोज़गार छीन लेंगे लोग, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। हाँ, लेकिन हिंसा के ऊपर हिंसा नहीं होना चाहिए, मारकाट नहीं होना चाहिए, हिंसा के ऊपर हिंसा नहीं होना चाहिए। वो लोग को संवैधानिक तरीके से मांग रखना चाहिए कि यहाँ पे जो भी काम करेगा, ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड से लेकर हर एक चीज़ में वो होना चाहिए। और मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी अभी तक ना नियोजन नीति बना है ना स्थानीय नीति बना है, इसलिए झारखंड के लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि कम से कम 10 से 15 लाख लोग लगातार पलायन करते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे नीति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। हर एक चीज़ में चले जाइएगा तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसलिए झारखंड सरकार को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द नीति बनाए ताकि झारखंड के लोगों को रोज़गार के लिए अदर स्टेट के लिए पलायन ना करना पड़े। झारखंड में भी रोज़गार के लिए अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे फैक्ट्री है, नेशनल लेवल के फैक्ट्री हैं, इंटरनेशनल लेवल के फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्री है, हज़ारों हज़ार फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीति नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे कानून नहीं है। यहाँ पे भी इंडस्ट्री चल रहा है तो इसमें भी लोग काम करते हैं, लेकिन लोग बाहर के काम करते हैं। इसलिए चाहिए कि झारखंड के लोगों के लिए नियोजन नीति बने, स्थानीय नीति बने, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। और अगर नहीं हुआ तो आज जो तमिलनाडु में परिदृश्य बना हुआ है कि लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है दिन दहाड़े, वो परिस्थिति झारखंड में भी आ सकता है। और मरता क्या नहीं करता, अंत में लोग हथियार उठाएगा ही। जब अपना हक, अधिकार, अस्तित्व, पहचान का बात आएगा, रोज़गार का बात आएगा, जब किसी का पेट में लात मारा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई हथियार उठाएगा। इसलिए झारखंड सरकार को भी चाहिए कि साउथ वाले स्टेट्स से अपना भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण के लिए वो लोग कितना कट्टर है वो सबको देखते हुए, सोचते हुए अपने हित में कानून बनाए, अपने लिए कानून बनाए। सभी को जोहार।